कर्पूरर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र से शिव जी की स्तुति की जाती है। इस मंत्र का अर्थ है जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। मैं सुजीत गिरी आप सभी शिव भक्तों का इस सोशल मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह शिव भक्तों के लिए गागर में सागर के समान वीडियो है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को सुनने के बाद जीवन की आधी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। शिव हमारे परम पिता हैं, आदि देव हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और अनुकरणीय हैं। मैं गरीब ब्राह्मण उच्च ब्राह्मणों की एक प्रमुख उपजाति हूँ। हमें दशनामी ब्राह्मण या सेव ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि गिरी पुरी वन भारती पर्वत सागर अरण्य तीर्थ सरस्वती ये सारे दशनामी ब्राह्मण हैं और इनकी उत्पत्ति शरीरधारी भगवान शंकर से हुई है। दशनामी ब्राह्मण भगवान शंकर जी के अंश हैं और भगवान शंकर जी की उत्पत्ति परमपिता शिव जी से हुई है। मैं शिव उपासक हूँ, मैं शिव जी की आराधना करता हूँ। सावन का महीना चल रहा है और मेरे लिए भगवान शिव की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। सावन का महीना और सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है, जो अत्यंत शुभ होता है। इस माह में शिव का नाम भी लिया जाए तो वह प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। आइए अपने आदि देव परम पिता शिव के बारे में जानते हैं। शिव संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ कल्याणकारी या शुभकारी होता है। शिव शब्द में दो अक्षर हैं। सी का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ होता है देने वाला यानी दाता। इसीलिए कहते हैं शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन के असवार। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। परमपिता शिव की दो काया है। भगवान शिव हमें दो रूपों में उनको जानते हैं, एक सकार रूप में और दूसरा निराकार रूप में। सकार का मतलब होता है शरीरधारी देहधारी यानी फिजिकल बॉडी। भगवान शंकर जी शरीरधारी हैं। भगवान शंकर जी त्रिदेव में आते हैं। ब्रह्मा जी रचयिता हैं, सकार हैं, शरीरधारी हैं। विष्णु जी पालन करता हैं, सकार हैं, शरीरधारी हैं। शंकर जी संहार करता हैं, सकार हैं, शरीरधारी में आते हैं। शिव निराकार रूप में हैं, यानी उनका कोई आकृति नहीं है। शिव जी शरीरधारी नहीं है, नो फिजिकल बॉडी। भगवान शंकर स्थूलधारी रूपी हैं। भगवान शंकर स्थूल रूपी हैं, जबकि शिव जी सूक्ष्म रूपी हैं। भगवान शिव जी ही सब कुछ हैं। भगवान शिव जी ही सब कुछ हैं। शिव भगवान ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की है। भगवान शिव जी जन्मदाता हैं इन त्रिदेवों का, तीन महाशक्तियों का जन्मदाता है शिव भगवान। इसीलिए शिव महामंत्र में बताया गया है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः, सोहम ब्रह्मा, सोहम विष्णु, सोहम शंकर, नमो नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः। यहाँ पर सोहम ब्रह्मा, सोहम विष्णु, सोहम शंकर, नमो नमः। शिव कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शंकर हूँ। शिव जी रचयिता हैं और शंकर जी शिव जी की एक रचना है।
भगवान शिव ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति हैं। शंकर जी पदवर्त पर ध्यान शिव जी की ही लगाते हैं। शंकर जी पर्वत पर लीन शिव जी में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ज्योति रूप स्वरूप हैं। शंकर जी देवलोक के निवासी हैं, संसार के देवता हैं, जबकि शिव जी परम धाम के निवासी हैं। शंकर जी संहार करता है जो जन्म मरण चक्र से बंधे हैं, जबकि भगवान शिव शमशान वासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं और जन्म मरण के चक्र या बंधन से मुक्त हैं। शंकर जी शिव जी की रचना है, इसीलिए शिव जी शंकर जी में प्रवेश करके महान कार्य करवाते हैं। शंकर जी शिव जी की रचना है, इसीलिए शिव जी शंकर जी में प्रवेश करके महान कार्य करवाते हैं। इसीलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, आदि देव शंकर, महाकाल शंकर, जय शिव शंभु, महादेव शंकर, शिव भोलेनाथ। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है, आदि देव, महाशिव, काल भैरव, उमापति, नीलकंठ, मृत्युंजय भी कहते हैं, इनके और कई नाम हैं। परमपिता शिव तीन आँख वाले हैं, इसीलिए इन्हें त्रिकालदर्शी या त्रिलोचन कहते हैं। तीनों गुणों, तीनों कालों और तीनों लोकों पर विचार करने वाले, समझने वाले त्रिकालदर्शी भगवान शिव हैं। त्रिकालदर्शी भगवान शिव तीनों लोकों में हमारी रक्षा करते हैं। भगवान शिव निर्विकारी हैं, इनका ध्यान करने से हमारे मन का अंधकार और विकार भी दूर होता है। भगवान शिव की सबसे ज़्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में की जाती है। भगवान शिव की सबसे ज़्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में की जाती है, और संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, निशान। यह चिन्ह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान का आदि अनादि स्वरूप। इसे लिंगम, लिंगा या शिवलिंगम भी कहते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष आदि देव का प्रतीक होने से इसे लिंग कहते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष आदि देव का प्रतीक होने से इसे लिंग कहते हैं। वैसे तो भगवान शिव के 108 नाम हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भगवान शिव की कुछ चुनिंदा नाम बता रहा हूँ, जिनके जाप से व्यक्ति को अपने समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म पुराणों और शास्त्रों में भी इन नामों की महिमा खूब बताई गई है। भगवान शिव के इन 21 नामों के स्मरण मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होते हैं, और कहा जाता है कि शिव की पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोले भंडारी भी कहते हैं। भक्ति भाव और निश्चल मन से सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 21 नाम भगवान शिव का इस प्रकार है। भगवान भोलेनाथ अपने नाम के अनुरूप ही भोले हैं। 21 नाम, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम कपरदीने नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम सुमेश्वराय नमः, ओम व्यालप्रियाय नमः, ओम दिग्मबराय नमः, ओम उमकंताय नमः, ओम ईशाय नमः, ओम जगतप्रतिष्ठाय नमः, ओम अंधकासुरमर्दिने नमः, ओम त्रिनेताय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम शमशानवासिने नमः, ओम गौरीपताय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम लिंगाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः। ये भगवान शिव के 21 नाम हैं, इनके जाप से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। अंततः भगवान शिव का बहुत ही प्रिय मंत्र है, ऐसा महामंत्र है जिसके जाप से संसार का हर असाध्य रोग
कष्टों और अचानक विपदाओं से छुटकारा मिलता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति मौत पर भी जीत हासिल कर सकता है। इस मंत्र को 33 अक्षरीय मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें 33 अक्षर हैं, जो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रतीक है। इन 33 कोटि देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ इस महामृत्युंजय मंत्र में निहित हैं। महामृत्युंजय मंत्र परम लाभकारी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मृक्षीय मामृता। हे सबके रक्षक प्रभु, आप सवग्र हैं, इसी कारण भूत भविष्य और वर्तमान को भली भांति जानते हो। आप ही सुगंधिम हो, पुष्टि को बढ़ाने वाले हो। हे प्रभु, जैसे पका हुआ फल स्वयं डंठल से दूर हो जाता है, उसी प्रकार आप हमें मृत्यु से छुड़ाकर अमृत रूपी मोक्ष प्रदान करें। महामृत्युंजय मंत्र को वेदों का हृदय भी कहा जाता है। भगवान शिव समस्त हिंदुओं के लिए मंगलकारी, हितकारी और शुभकारी हैं। सभी देवों में महादेव का स्थान सबसे ऊंचा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यह दशनामी संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय यानी मंगलकारी शिव को प्रणाम। सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय, जय हिंद, नमस्कार। यदि मैं भगवान शिव की सही अर्थ प्रस्तुत करने में असफल रहा हूँ तो अपने धर्मगुरुओं और विद्वानों से विनम्र माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।